चेंज ऑफ प्रोनाउंस, कैसे कैसे हमारे प्रोनाउंस चेंज हो रहे हैं, या प्रोनाउंस या नाउंस भी लिख लो, चेंज ऑफ नाउंस एंड प्रोनाउंस। एक छोटा सा रूल आपने अपने जूनियर क्लास में भी पढ़ा होगा, जूनियर क्लास में भी पढ़ा होगा, ये सन वाला, एस ओ एन, एस ओ एन, एस के आगे वन, ओ के आगे टू और एन के आगे थ्री। छोटे से ट्रिक है याद करने का। अब आप बोलोगे कि मैम ये एस क्या है, ये एस, एस डिनोट्स सब्जेक्ट, ठीक है, ये जो एस है ये सब्जेक्ट के लिए है, और ओ क्या है, ओ इज फॉर ऑब्जेक्ट, और एन को नाउन मत बना लेना, एन इज नो चेंज, एन नो चेंज, ठीक है। और आप बोलोगे कि ये वन क्या है, वन इज फर्स्ट पर्सन, ये जो मैंने वन लिखा है ना, वन, अरे वन लिखा है फर्स्ट पर्सन के लिए, और टू किसके लिए लिखा है, सेकंड पर्सन। पहले इसको लिखिए फिर मुझे इसको रब करना होगा, और थ्री है थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन में कौन आता है, जो बोल रहा है वो फर्स्ट पर्सन है, जो सुन रहा है वो थर्ड पर्सन है, और जिसके बारे में बात की जा रही है वो थर्ड पर्सन है। अभी मैं बोल रही हूँ मैं फर्स्ट पर्सन हूँ, आप लोग सुन रहे हो आप सेकंड पर्सन हो, और हम जिसके बारे में बात कर रहे हैं किसी तीसरे व्यक्ति के बारे में वो थर्ड पर्सन है। जैसे फर्स्ट पर्सन में क्या आता है, फर्स्ट पर्सन में आई, मैं, हम, आई का आई सिंगुलर है और वी प्लूरल है, एट सेकेंड पर्सन में आप लोग हो, यू हो, यू। यहाँ थोड़ा बता देना होगा, हर बच्चों को वैसे पता ही है कि आई सिंगुलर होता है और यू, सॉरी, वी प्लूरल होता है, तो दोनों फर्स्ट ही पर्सन, दोनों फर्स्ट ही पर्सन है, बट एक सिंगुलर है और प्लूरल है, सेकेंड पर्सन में यू हो, ठीक है, और यू सिंगुलर भी होता है और यू प्लूरल भी होता है। सेंटेंस में देखना है इसको किस तरह से यूज किया गया। यू स्टडी, आप पढ़ो, यू ऑल स्टडी, आप सभी पढ़ो, तो यू सिंगुलर प्लूरल दोनों होता है। और थर्ड पर्सन में कौन आ जाएगा, थर्ड पर्सन में जिसके बारे में आई और यू मिलके जिसके बारे में बात कर रहे हैं वो थर्ड पर्सन है। थर्ड पर्सन वार्तालाप में शामिल नहीं, ही, शी, दे, इट, और जितने भी राम श्याम है ना, राम श्याम वैसे ना प्रोनाउन तो नहीं है, राम श्याम नाउन है, बट राम श्याम ये सब भी किसी का नाम भी थर्ड पर्सन, थर्ड पर्सन है, थर्ड पर्सन, हाँ, इट, शी, इट, इट, दे, शी, राम श्याम सब थर्ड पर्सन, जितने भी, गॉड भी थर्ड पर्सन है। मेरे को इंग्लिश कम समझ में आती है ना, तो क्या करना है, पढ़ना है, कोई चीज कम समझ में आती है तो पढ़ना ही है। लिख लिया सबने, ये एस सब्जेक्ट है, और अब बोलोगे कि मैम एस के नीचे वन क्यों लिखा, इसके नीचे ये क्यों लिखा, ये क्यों लिखा, ये पढ़ेंगे पहले तो ये सब है। हाँ, तो अब मुझे ये बताना था कि मैम इसके नीचे आपने वन और ये क्यों लिखा, ये रूल क्या बताता है, ये रूल बताता है फर्स्ट पर्सन अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, सेकेंड पर्सन अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट, और थर्ड पर्सन में नो चेंज। अब लिखते जाओ, पहले लिखो इसको फर्स्ट पर्सन, आपको लगेगा ना ये फर्स्ट पर्सन किसको मान रहे हैं, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट किसको मान रहे हैं, पहले आप इसको लिखिए फर्स्ट पर्सन अकॉर्डिंग टू, फर्स्ट पर्सन किसके अकॉर्डिंग जाएगा, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, सेकंड पर्सन जाएगा ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, सेकंड पर्सन अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट, और थर्ड पर्सन में तो कोई चेंज नहीं, थर्ड पर्सन में नो चेंज। लिखो इसको आप, अब इसी पे सारा चेंज ऑफ प्रोनाउंस बेस्ड लिख लिया है। अब चलो मैं इसको स्टेप बाय स्टेप करवा के ना क्लास को खत्म करती हूँ फिर। अरे एक चीज बता विकास, सेंटेंस इम्प्रूवमेंट सेट करने के लिए दिया था, हो गया, नोट कर लिया है ना, ए टू जेड सारा आप लोग ढूंढ नहीं पा रहे हो, शिवम यादव, सारा चीज ना बहुत सिस्टमैटिक वे में अरेंज्ड है, सिस्टमैटिक वे में अरेंज्ड है सब चीज, आप लोग ढूंढ नहीं पाते हो, प्लेलिस्ट में जाओ, सारा ग्रामर का बैच अरेंज्ड है आप लोग के कन्वीनियंस के लिए, सब अरेंज किया गया। अब चेंज इन प्रोनाउन साइड में कहीं पे इसको लिख लो, साइड में एस ओ एन लिख लीजिए, ये वाला लिखा रहेगा, याद रहेगा, ठीक है, सेंटेंस लिख रही हूँ। The man said
टू हिज वाइफ. यू आर काइंड. छोटा छोटा सेंटेंस देख रही हूँ. The teacher, the students. पहले तो एक student रखती हूँ. The student said to the teacher, I am fine. तीसरा, the students. The student said, we are busy. पहले इतना लिखिए, अभी बहुत सारे examples. पहले इसको लिखते जाइए. पूरा A to Z इतना आपको grammar मिल रहा है. लेकिन ये भी ध्यान रखना है कि ये सब सिर्फ पढ़ने से थोड़ी errors बनेगा, practice भी करना है. चलो अब जो SON 1, 2, 3 है ना, थोड़ा समझ लेते हैं. ठीक है, ये क्या, ये जो इन्वर्टेड कॉमर्स के बाहर है ना, इसको मैं मान रही हूं ये वाला सब्जेक्ट. मैन ने किसको बोला, अपनी वाइफ से बोला, तो उसकी वाइफ ऑब्जेक्ट है. तो ये जो सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट की बात हो रही है ना, जो इन्वर्टेड कॉमर्स के बाहर है, और ये जो फर्स्ट सेकेंड थर्ड पर्सन ना, ये इन्वर्टेड कॉमर्स के अंदर. ये जो यू है कौन सा पर्सन, यू जो है सेकेंड पर्सन. चलो अब इसको स्टार्ट किया जाए. अब इसका टेंस बदलेगा. टेंस इसलिए बदलेगा क्योंकि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में जा रहा है ना, पास्ट में जा रहा है, टेंस बदलेगा. और सब्जेक्ट ने ऑब्जेक्ट से कहा, तो सेड क्या में बदलेगा, टोल के साथ टू मत लगाना. द मैन टोल्ड टू मत लगाना. द मैन टोल्ड हिज वाइफ दैट. अब ये देखो, ये जो यू है कौन सा पर्सन है, यू इज सेकेंड पर्सन. और रूल क्या बताता है कि सेकेंड पर्सन अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट. और इसका ऑब्जेक्ट कौन है, इसका ऑब्जेक्ट इज वाइफ है. तो वाइफ के लिए क्या लगाओगे, शी लगा दोगे. इज वाइफ है, इज नहीं देख रहे वाइफ को. शी वॉज अनवेल, क्योंकि सेकेंड पर्सन है ना, सेकेंड पर्सन सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग नहीं जाएगा, सेकेंड पर्सन ऑब्जेक्ट. She was अच्छा अनवेल नहीं है. She was kind. तो ध्यान रखना है. द मैन टोल्ड हिज वाइफ, और थोड़ा समझो ना, द मैन सेड टू हिज वाइफ. यहाँ हम ही नहीं लगा सकते. मैन ने अपने लिए नहीं बोला, मैन ने अपनी वाइफ से बोला कि तुम काइंड हो. मतलब काइंड उसकी वाइफ है ना, तो शी लगाएंगे, शी. अगर मैन ने ऐसा बोला होता ना कि द मैन सेड टू हिज वाइफ आई एम काइंड बोला होता, इसका मतलब है कि मैन ने अपने लिए बोला होता. और जब अपने लिए बोला होता तब हम यहाँ पे ही लगाते. बट यहाँ मैन ने अपनी वाइफ से बोला, मतलब काइंड उसकी वाइफ. काइंड, द मैन टोल्ड हिज वाइफ दैट शी वाज काइंड. द स्टूडेंट सेड टू द टीचर, इसका भी टेंस बदलेगा. द स्टूडेंट टोल्ड होगा, क्योंकि स्टूडेंट सब्जेक्ट है, टीचर ऑब्जेक्ट है. द स्टूडेंट टोल्ड द टीचर, हाँ, दैट. अब स्टूडेंट ने किससे बोला, टीचर से बोला. स्टूडेंट ने टीचर से बोला कि मैं फाइन हूं, मतलब फाइन टीचर नहीं है, वो अपने लिए बोला. तो ये आई कौन सा पर्सन है, आई फर्स्ट पर्सन है. और फर्स्ट पर्सन अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट कौन सा है, स्टूडेंट है. और स्टूडेंट में गर्ल भी आते हैं, बॉय भी आते हैं, मेल फीमेल क्लियर नहीं हो तो हम मेल को ही मानते हैं. ही वॉज फाइन, मतलब फाइन टीचर नहीं थी, फाइन स्टूडेंट था. ओके, लिख लिया ये द स्टूडेंट. आई एम फाइन. स्टूडेंट टीचर में मेल फीमेल क्लियर नहीं हो रहा है तो हम ही को मान लेते हैं. ठीक है, स्टूडेंट ने अपने लिए बोला मैं फाइन हूं. अब यहाँ पे एक स्टूडेंट था, यहाँ पे तो बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, तो मैं क्या लिखूंगी, द स्टूडेंट सेड दैट. बहुत सारे स्टूडेंट्स मिलके बोल रहे हैं ना कि हम सब बिजी है, मतलब प्लूरल है. तो ये वी कौन सा पर्सन है, वी फर्स्ट पर्सन है. और फर्स्ट पर्सन अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट प्लूरल है, तो फिर से स्टूडेंट्स ना रिपीट हो, तो हम स्टूडेंट्स प्लूरल है, इसके लिए दे वर बिजी लगा, दे के साथ टेंस बदले.
मेल को प्रायोरिटी दे देते हैं, हाँ फीमेल प्रेजेंट नहीं है तो मेल को प्रायोरिटी दे देना, ठीक है, दे लगा देना। अगर अगर एक चीज और मुझे बताना था, अगर एक स्टूडेंट भी रहता ना, यहाँ तो स्टूडेंट्स, मैंने यहाँ तो स्टूडेंट्स को प्लूरल रखा था, लेकिन अगर ऐसा भी वाक्य रहता, द स्टूडेंट, एक ही स्टूडेंट भी रहता, द स्टूडेंट सेड वी आर बिजी, तो यहाँ तो मैंने बहुत सारा स्टूडेंट्स लगाया था ना, लेकिन एक स्टूडेंट भी बोलता ना, जैसे स्टूडेंट ने कहा कि हम सब बिजी है, हम सब बिजी है, इसका मतलब ये स्टूडेंट भी उसी में शामिल है, तो इसका भी वही बनता, द स्टूडेंट सेड, द स्टूडेंट सेड दैट। अब ये वी क्या है, वी फर्स्ट पर्सन है, और रूल क्या बताता है, रूल बताता है कि फर्स्ट पर्सन अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, तो फर्स्ट पर्सन अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। आप बोलोगे कि मैम फर्स्ट पर्सन अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, तो यहाँ तो एक ही स्टूडेंट है, यहाँ तो चलो बहुत सारा था तो आपने इसके लिए दे लगा दिया, लेकिन ठीक है फर्स्ट पर्सन हमारा, ये फर्स्ट पर्सन प्लूरल है तो हमें कुछ प्लूरल ही चाहिए, क्योंकि स्टूडेंट ने बोला कि हम सब बिजी है, इसका मतलब एक स्टूडेंट ही वो बिजी नहीं है, उसके साथ साथ बहुत सारे स्टूडेंट हैं, तो यहाँ भी सिंगुलर होता ना, बट ये तो प्लूरल था, इसका भी दे लगा, दे वर बिजी, ठीक है। चलो मुझे बताओ, हाँ मेरे ना क्लास की टाइम हो रही है, 1 बजे से क्लास है, तो अभी इसके बारे में ना मेरे को बहुत और डिटेल में पढ़ाना है। अच्छा, द टीचर टोल्ड द, अच्छा गलती से लिख दिया था मैंने, द स्टूडेंट टोल्ड द टीचर, अरे ये समझ जाना है ना कि मैम ने गलती से लिख दिया होगा, इतना तो अपने से समझ ही लेना है कि मैम सेकेंड वाला गलत है, द स्टूडेंट सेड टू द टीचर की जगह द स्टूडेंट टोल्ड द टीचर, ये समझ जाना, इतने दूर क्लियर है, ये समझ जाना। एग्जाम्पल दो वाला ना, एग्जाम्पल दो वाला फर्स्ट पर्सन अकॉर्डिंग। अब चलो, कल मैंने आपको पढ़ाया था, क्या पढ़ाया था, कल मैं आपको वो पढ़ा रही थी ना, एस ओ एन वाला रूल पढ़ाया था, ठीक है, ये पढ़ाया था एस ओ एन, ठीक है, और लिखा था 1 2 3, फर्स्ट पर्सन अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, सेकेंड पर्सन अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट, और थर्ड पर्सन में नो चेंज, थर्ड पर्सन में नो चेंज, ठीक है। नेक्स्ट वाला देखो, यहाँ पे देखो, ही सेड आई एम बिजी, ही ने किसको बोला, अपने आपको, ही ने कहा कि मैं बिजी हूँ, इसका मतलब बिजी खुद ही था ना, ये क्या है फर्स्ट पर्सन, और फर्स्ट पर्सन अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, तो ही हो जाएगा, यहाँ पे लिख दिया मैंने, ही सेड दैट ही वॉज बिजी, आई एम बिजी सिंपल प्रेजेंट है, पास में बदल जाए। उसी तरह ही सेड टू मी, आई एम राइट बट यू आर रॉन्ग, उसने मुझसे कहा कि मैं राइट हूँ और तुम रॉन्ग हो, मतलब राइट मैं हूँ रॉन्ग तुम हो, तो यहाँ पे देखो ये फर्स्ट पर्सन है, ही सेड ये सब्जेक्ट है और ये ऑब्जेक्ट है, सब्जेक्ट ने किससे बोला, ही ने मी से बोला ना, तो जब भी ऑब्जेक्ट आ गया तो टोल्ड में बदल जाएगा, ही टोल्ड मी, इतना दूर तो करेक्ट है, कॉमा के जगह दैट आ गया। अब ये आई कौन सा पर्सन है, आई फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट पर्सन अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, तो मैंने यहाँ पे सब्जेक्ट लगा दिया, ही वॉज राइट, बट ये यू कौन सा पर्सन है, यू सेकेंड पर्सन है, और सेकेंड पर्सन अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट, तो मी ही बन जाएगा आई, आई वॉज रॉन्ग, आई वॉज रॉन्ग। आपसे पढ़कर स्टेनोग्राफर पास कर लिया है तो अमन बहुत अच्छी बात है, लेकिन अभी स्टेनोग्राफर का तो अभी स्टेनो शॉर्ट हैंड टाइपिंग तो बचा है ना, अभी तो ये सब बचा है, बहुत खुश नहीं होना है। बहुत सारे बच्चों ने स्टेनो निकाला है, किसी ने ग्रुप सी निकाला है, ग्रुप डी निकाला है, किसी ने दोनों निकाल लिया है, ठीक है, लेकिन अभी तो असली खेल बचा है वो भी निकल जाएगा, वो भी निकल जाएगा, स्टेनोग्राफर हो गया है ना। तो चलो, ही सेड टू मी दैट आई एम राइट बट यू आर रॉन्ग, तो ही टोल्ड मी दैट ही वॉज राइट, मैं राइट था, वो राइट था और तुम रॉन्ग थे। अब देखो, ही सेड टू मी, ही हमारे सेंटेंस का सब्जेक्ट है और ये वर्ब है, सब्जेक्ट ने वर्ब, सॉरी ऑब्जेक्ट है, सब्जेक्ट ने ऑब्जेक्ट से बोला, तो ही टोल्ड मी तक तो सही है, दैट। अब ये ही थर्ड पर्सन है, और आपने क्या पढ़ाया कि थर्ड पर्सन में कोई चेंज नहीं होगा, कोई चेंज नहीं होगा, तो ही रह जाएगा, ही वॉज इज हैंडसम, वॉज हैंडसम हो जाएगा, इज हैंडसम वॉज हैंडसम में बदल जाएगा, ठीक है। तो कल हमने ये किया था, अब हमें करना क्या है, हाँ अब असली कहानी यहाँ से शुरू है। देखो यहाँ पे देखो, ध्यान से सुनना, वो सब तो इजी था, ये ही क्या है, ऐशी क्या है, शी सब्जेक्ट है, शी ने किससे कहा, मेरे से कहा, शी ने मेरे से कहा, बट यहाँ ना शी ने सिर्फ कहा, ठीक है, शी सेड टू मी, शी सेड टू मी यू आर गिल्टी, शी ने मेरे से कहा कि मैं गिल्टी हूँ, यू आर गिल्टी मतलब
शी ने कहा कि तुम गिल्टी हो, इसका मतलब है मुझे गिल्टी बोला है, तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, बट यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, ध्यान देना यहाँ पे। शी सेड टू मी, तो यहाँ पे हो गया शी टोल्ड मी, ठीक है, शी टोल्ड मी दैट। और यू कौन सा पर्सन है, यू सेकेंड पर्सन है, सेकेंड पर्सन अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट में मी है तो आई हो जाएगा, ठीक है। कंजंक्शन के बाद एक सब्जेक्ट चाहिए ना, ऑब्जेक्ट नहीं चाहिए, आई वॉज गिल्टी, यहाँ तक तो सही था, बट यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, ठीक है, यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, कोई ऑब्जेक्ट नहीं है। शी सेड यू आर गिल्टी, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखो जब कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं है ना, शी सेड, ठीक है, जब कोई, यहाँ पे तो ऑब्जेक्ट था, ये यू सेकेंड पर्सन है ना, यू सेकेंड पर्सन है और सेकेंड पर्सन अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट, तो यहाँ तो ऑब्जेक्ट था बट यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट नहीं है। जब ऑब्जेक्ट नहीं है ना तो हम आई को मान लेते हैं, आई को मान लेते, कई बार आई के जगह हम ही को भी मान लेते हैं, बट प्रायोरिटी हम आई को देते हैं, अंडरस्टूड है, सामने वाले को बोला है, शी टोल्ड मी डेट आई वॉज गिल्टी, यहाँ पे तो ऑब्जेक्ट था तो कोई दिक्कत नहीं था, लेकिन वाक्य में जब कोई ऑब्जेक्ट ना हो ना तो आई को मान लें, आई को। अभी इस पर रिलेटेड और भी बहुत सारी चीजें करेंगे, हाँ इसको लिख लेना है। अब यहाँ पे देखो, शी सेड यू ऑल आर, यहाँ तो यू सिंगुलर था, यहाँ भी यू सिंगुलर था, बट यहाँ का यू प्लूरल है, यहाँ का यू प्लूरल है। उसने कहा कि आप सभी गिल्टी हो, आप सभी दोषी हो, मतलब दोषी कोई एक व्यक्ति नहीं है, बहुत सारे लोग दोषी है, सी ने कहा, तो शी सेड होगा, दैट लगा दिया। अब यू तो सेकेंड पर्सन है, सेकेंड पर्सन अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट, बट ऑब्जेक्ट में कुछ नहीं है तो आई मान लेंगे, जैसे यहाँ पे आई माना था, लेकिन यहाँ पे आई इसलिए माना था ना क्योंकि यू सिंगुलर था, बट यहाँ का यू तो प्लूरल है, तो हम आई नहीं करेंगे, हम वी करेंगे, वी। अच्छा यहाँ वाला ना सेट सही नहीं किया, अरे शी सेड यू ऑल आर, एक मिनट रुक जाना, ये वाला जो है ना, इसको मत देखना, ये इसका दोनों तरीके से बन सकता है, हम आई भी लगा सकते हैं, ही भी लगा सकते, ठीक है। जब कोई ऑब्जेक्ट ना हो ना, जब कोई ऑब्जेक्ट नहीं हो तो हम आई को भी मान सकते हैं, ही को भी मान सकते हैं, बट हम प्रायोरिटी आई को ही देते हैं, प्रायोरिटी आई को ही देंगे, ठीक है। ये तो हो गया, शायद ना सेटिंग सही नहीं था, उसको हटा दो। यहाँ पे देखो, यू ऑल आर गिल्टी, ठीक है। तो यहाँ तो ये प्लूरल है ना, और सेकेंड पर्सन अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट में क्या मानते हैं, आई और ही मानते हैं, या तो आई मानते हैं या तो ही मानते हैं, लेकिन ये तो प्लूरल है, तो आई का प्लूरल मैंने वी कर दिया, वी ऑल वर गिल्टी, और यहाँ ही का प्लूरल ही मानते हैं तो उसको प्लूरल कर दी। मैंने लिखा शी सेड, यहाँ पे नोट डाल के लिखो, ऑब्जेक्ट हो तो कोई बात ही नहीं है, शी सेड, ठीक है, शी सेड यू आर गिल्टी, शी सेड यू आर गिल्टी, ठीक है। शी ने कहा कि आप गिल्टी हो, तो हम इसमें क्या मान रहे थे, हम लोग इसमें क्या लिख रहे थे, शी सेड दैट, ठीक है, शी सेड दैट। यू सेकेंड पर्सन है, सेकेंड पर्सन अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट, अगर वाक्य में ऑब्जेक्ट ना हो ना तो हम क्या लगा लेंगे, आई लगा लेंगे या ही भी लगा लेते हैं, ही शी सेड दैट आई वॉज गिल्टी, ये हमारा क्वेश्चन है, ठीक है। और इसका और ये भी है, शी सेड दैट ही वॉज गिल्टी, ठीक है, ही वॉज गिल्टी। ध्यान से इसको सुनना, जब भी सेंटेंस में कोई ऑब्जेक्ट ना हो तो या तो हम क्या करते हैं, आई को मान लेते हैं ऑब्जेक्ट, या तो ही को मान लेते हैं, दोनों करेक्ट है। यहाँ शी जो है किसी और को बोल रही हो कि अब वो गिल्टी है, ठीक है, शी ने कहा कि आई वॉज गिल्टी, या दोनों करेक्ट है, लेकिन हम प्रायोरिटी जनरली आई को देते हैं, लेकिन यहाँ तो अभी दोनों सही है, लेकिन अगर क्वेश्चन ऐसा आ गया, देखो यहाँ पे शी ने किसी और के लिए बोला, लेकिन एक मिनट, अगर क्वेश्चन ऐसा आ जाता, ही सेड, या क्वेश्चन ऐसा रहता, ही सेड यू आर गिल्टी, और यहाँ पे मैं ही लगाती, और यहाँ पे भी मैं ही लगाती, ठीक है, और यहाँ पे ही सेड दैट, ठीक है, आई वॉज गिल्टी, पिछले वाला सेंटेंस में जब शी ने कहा था, जब शी का जिक्र था तो वहाँ आई भी करेक्ट था और ही भी करेक्ट था, बट यहाँ पर अगर ऐसा आ गया, अब यहाँ पर ऐसा आ गया और आप बोलोगे कि मैम दोनों तो करेक्ट है, इस केस में हमें इसको चुनना पड़ेगा, हम ही को नहीं चुनेंगे, क्योंकि इस सेंटेंस का ना दो मतलब निकल रहा है, ही सेड दैट ही वॉज गिल्टी, इसका एक मतलब निकल रहा है ना कि हो सकता है कि ही अपने आप को बोल रहा है, अगर ये सेंटेंस ऐसा रहता, ये देखो, ही सेड आई एम गिल्टी, तो इसका क्या बनता,
इसका ऐसा बनता ना, ही सेड दैट ही वॉज गिल्टी, ही सेड दैट ही वॉज गिल्टी, क्योंकि आई फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट पर्सन अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट. तो यहां तो पता चल गया कि ही वॉज गिल्टी में ही अपने आप को बोल रहा है. तो इस सेंटेंस का भी ना दो मतलब निकल रहा है. हो सकता है कि ही अपने आप को बोल रहा है, क्योंकि अगर आई भी रहता ना तो हम ही लगाते, ही वॉज गिल्टी. हो सकता है कि ही अपने आप को बोल रहा है, और हो सकता है कि ही किसी थर्ड पर्सन को बोल रहा है कि ही ने कहा कि वो गिल्टी है. किसी थर्ड पर्सन को भी बोल सकता है, तो दोनों मीनिंग निकल रहा है. हो सकता है ही अपने आप को भी बोल रहा है, लेकिन यहाँ अंडरस्टूड है कि ही अपने आप को नहीं बोल रहा है ना, ही किसी और को बोल रहा है. बट ये वाला देंगे ना तो लगेगा कि ही अपने आप को बोल रहा है, इसलिए इसको लगाए, इसको लगाए, ही सेड दैट. तो ये चीज को याद रखना. अगर ही अपने आप को भी बोला रहता ना, ही सेड आई एम गिल्टी, ही ने अपने आप को भी बोला रहता, तो आंसर यही होता, मतलब ऐसे ही निकलता, ही सेड दैट ही वॉज गिल्टी. और यहाँ पे अभी हमने बोला कि कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, तो ही को भी मान लेंगे. अगर ही को मानेंगे ना तो एक मतलब ये भी निकलेगा कि ही अपने आप को बोल रहा है, बट ही अपने आप को नहीं बोल रहा है, ही किसी और को बोल रहा है, इसलिए हम आई ले लेंगे. आई ले लेंगे तो क्लियर हो गया कि ही किसी और को बोल रहा है, बट यहाँ तो एक लगेगा कि ही अपने आप को बोल रहा है. सो दिस शुड बी द ऑप्शन. ओके, तो याद रखिएगा, याद रखिएगा, ठीक है. याद रखना है कि जब भी ऐसा आ गया ना, तो आई वाले को प्रायोरिटी देना. ही को दोगे तो लगेगा ही खुद को बोल रहा है.